सलामुअलैकुम नाज़रीन, जे एम न्यूज़ एच डी के साथ मैं हूं नायला भट्टी। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शहदादपुर से जे एम न्यूज़ के डिप्टी ब्यूरो चीफ सईद उस्मान अली। जिला सांगड़ में नए तैनात होने वाले सिंध के बहादुर पुलिस ऑफिसर आवेद अली बलोच को एसएसपी ऑफिस सांगड़ अहमद भट्टी, एसपी मोहम्मद आसिफ फराई, पीडीएसपी जकरिया करेजू, डीएसपी जायद अहमद नासिर, इंस्पेक्टर अली नवाज मरी, पीआरओ टू एसपी एसएसपी सांगड़ अब्दुल कदीर मुगल ने पुरतबाक इस्तकबाल किया और चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। बाद आवेद अली बलोच एसएसपी ऑफिस सांगड़ ने तमाम इंचार्ज ब्रांचेस से तारुफी मीटिंग की, जिसके बाद ज़िला सांगड़ में तैनात अफसरान से तारुफी मीटिंग की गई। एसएसपी सांगड़ ने अपने जारी करदा बयान में कहा कि अमन अमान की बहाली, अवाम के जानो माल की हिफाजत, मजलूम को बरवकत इंसाफ की फरहमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मेरे ऑफिस के दरवाजे अवाम के बेहतरीन मफाद में 24 घंटे खुले हैं। जराइम पेशा मंशियात फरोश अनासर और रिपोर्ट इश्तियारियों के खिलाफ जराइम के लॉकडाउन में बहसियत सिपा सलार ज़िला सांगड़ फ्रंट लाइन पर हैं कि ज़िला को मंशियात और दीगर बुराइयों से पाक करने के लिए अपने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरीन मुआशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा करूँगा। आवाम और सहाफ़ी बरदारी से अपील करता हूँ कि छुपे हुए जराइम पेशा अनासर के खिलाफ जारी मिशन में पुलिस का भरपूर साथ दें।